हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस आज हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से कॉजेज ऑफ सोशल अवेकनिंग गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दो से तीन क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में अच्छा गाइस ये सेशन को हम कवर करेंगे मिनिमम टू पार्ट्स में मैक्सिमम थ्री पार्ट में और सोशल रिफॉर्म्स नाइनटीन सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले लाइक like एस हमने सती प्रथा पढ़ा था 1857 में और ओल्ड एजुकेशन सिस्टम भी हमने कवर करा था जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश को तो यहाँ पर दो तरह के लोग थे जो इस मूव को वेलकम कर रहे थे और एक विद्रो कर रहे थे और उसके बाद जो ब्रिटिश रूल है इसका इम्पेक्ट क्या था सोशल एक्टिविटीज़ लाइक एस सती प्रथा मैंने अभी आपको बताया हिंदू विडो री एक्ट और एक पोली था पोलिका क्या होता था जो मुस्लिम मैन है ये मल्टीपल मैरिजेस करते थे हालांकि ये जब इस्लामिज़म आया तो उस टाइम तो चलो एक मानते हैं कि यहाँ पर एक प्रथा चली अब वो प्रथा क्यों चली थी क्योंकि उस टाइम स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी और राजा महाराजा आपने देखा ही है पुराने समय में बहुत ज़्यादा शादियाँ करते थे लेकिन जब नाइन्टीन सेंचुरी के आसपास बात आई तो यहाँ पर चेंज आना बनता है और इस्लामिज़म में क्या होता था जो मेल है यहाँ पर ये काफ़ी एज के हो जाते थे और ये यंग गर्ल के साथ शादी करते थे तो यहाँ पर भी रिफ़ॉर्म आया और ये रिफ़ॉर्म कौन लेकर आया था मैं भी आपको बताऊँगा साथ साथ आपने यहाँ पर कवर करेंगे हम चाइल्ड मैरिज राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी फीमेल इन्फेंटिसाइड अनटचबिलिटी और पर्दा मोमेंट पर्दा मोमेंट क्या होता था जो मुस्लिम मैन हैं ये अपनी जो मतलब जो भी इनकी वाइफ होती थी उनको ये बोलते थे कि आपने पर्दे में ही रहना है तो इस मोमेंट में चेंजेस आने की जरूरत थी जैसे आपने अभी भी देखा होगा बुरका जो पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं और उसके बाद एफर्ट्स ऑफ यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट अब यहाँ पर जो चेंजेस आए कुछ पर्सन थे जो चाहते थे कि मॉडर्न कल्चर में इंडिया एंटर कर जाए क्योंकि इंडिया को जरूरत है अभी रिफॉर्म्स की और यहां पर ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से एफर्ट्स हुए नहीं इंडियन जो पर्सन थे उनकी तरफ से भी एफर्ट हुए आपने एक नाम सुनाऊंगा राजा राम मोहन राय और इन्होंने ही सती प्रथा को खत्म करवाया था विलियम बेंटी के साथ मिलकर वो कैसे हुआ मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स की तरफ से या फिर यूरोपियंस थे मैक्स मूलर इनका नाम आपने सुना होगा इन्होंने उपनिषद्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करा था और बी आर अम्बेडकर जी की एक बुक है नाम भूल गया लेकिन अनटचबिलिटी को लेकर ये बुक लिखी गई थी बी आर अम्बेडकर जी की तरफ से इसमें इन्होंने मैक्सिमम आई थिंक ट्वेंटी टाइम्स मैक्स मुलर के बारे में बताया है ठीक है तो ये बुक मैंने पढ़ी है तो ट्वेंटी टाइम्स तो होगा इससे ज़्यादा ही हो सकता है कम नहीं होगा अच्छा फिर एक पर्सन थे विलियम जॉन और जेम्स प्रिंस चार्ल्स विल्कन और यहाँ पर एक पर इंडियन की तरफ से राधा कांता देव राजेंद्र लाल मित्रा तो ये एक ओरिएंटलिस्ट या फिर एक, एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए ठीक है थेके? उसके बाद इन्होंने जैसे लिटरेचर के ऊपर वर्क करा जो राजा राम हो रहे थे ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते थे बारह के आसपास ये लैंग्वेजेस जानते थे और इसको लेकर ये वर्क करते रहते थे सभी कल्चर को ये फॉलो करते थे लाइक ऐसे इस्लामिज़म की जो बुक है कुरान वो भी इन्होंने पढ़ी है और हिंदुज़म की भगवद गीता एंड uh, जैसे क्रिश्चियंस की बाइबल और बाइबल को लेकर खैर इन्होंने बुक भी लिखी थी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा राजा राम मोहन राय हम डिटेल में डिस्कस करेंगे देन क्रिश्चियन मिशनरीज आए 1813 के नियर अबाउट और इन्होंने आकर जो कन्वर्जन करना स्टार्ट करा उसको लेकर एक विद्रोह था और कुछ लोग इसको वेलकम भी कर रहे थे क्योंकि जो हिंदुज़म है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी थी हालांकि अब तो नहीं है पहले थी मुस्लिम में भी रिजिडिटी थी तो लोग खुद से वेलकम और वेलकम कर रहे थे कि क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होना अपने आप को ये अच्छा समझ रहे थे क्योंकि जहाँ पर रिजिडिटी होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन देखने को मिलता ही मिलता है उसके बाद डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन वो मैं आपको बता ही चुका हूँ सती प्रथा हिंदू विटोरी मैरिज एक्ट पोली और उसके बाद चाइल्ड मैरिज देन हम लास्ट में देखेंगे कास्ट प्रॉब्लम अब देखिए कास्ट प्रॉब्लम तो यहाँ पर थी हालांकि जब हम बात करें वैदिक कल्चर की तो उस टाइम जो कास्टिज़्म फॉलो होता था जिसको हम आश्रम सिस्टम कहते थे आई थिंक पता नहीं आश्रम सिस्टम या वर्नर सिस्टम में इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ चल एक बार देख लेंगे हम तो यहां पर क्या होता था ब्राह्मण और फिर हमें देखने को मिलता था क्षेत्रियास देन देन वैश्यास शूद्र और यहाँ पर जो ब्राह्मिंस थे इन, इनको सारी की सारी स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस नॉलेज होती थी ये पढ़े लिखे होते थे और जो शूद्र थे ये अनटचेबिलिटी में आते थे मतलब सारे के सारे जो लेबर वर्क है वो सारे के सारे ये करते थे अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजिडिटी थी इंटर कास्ट मैरिज नहीं थी इंटर डाइनिंग नहीं होता था तो इसको लेकर ये यहाँ पर रिफॉर्म्स आए काफ़ी सारे और वुमेन्स को लेकर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वलिटी नाम की कुछ भी यहाँ पर चीज़ नहीं थी तो बहुत ज़्यादा एक हमारा जो सिस्टम है ना वो ब्रिजिड हो चुका था और यहाँ पर जो रिफॉर्म्स हैं उसको कुछ लोगों ने वेलकम किया कुछ कुछ लोगों ने इसका विद्रोह करा अब इसको लेकर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में देखो यहाँ पर जो लोग चाहते थे रिफॉर्म्स होना उनमें से एक नाम आप यहाँ पर आज पढ़ेंगे भी राजा राम मोहन राय और एक मुस्लिम जो पर्सन थे सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था ये भी एक रिफॉर्मिस्ट थे बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट हैं अच्छा मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करवाऊँगा कुछ डिटेल में कुछ जस्ट ओवरव्यू जैसे वहाबी मूवमेंट है सिखिज़म में बहुत सारे हमें मूवमेंट देखने को मिले अकाली मूवमेंट राधा स्वामी मूवमेंट कुका मूवमेंट और मैंने आपको 1857 में एक ऐसी बताया था कि जो फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगाए गए थे सेटलमेंट्स टैक्स तो वो कहीं ना कहीं वो भी हमें डिस्कस करने हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं अब ये जो टॉपिक है ना ये एक तरह से आप इसको स्किप मत करना और जितना मैं कवर करवाऊंगा जितना इन नोट्स में लिखा हुआ है वहां से आपको कही कहीं ना कहीं आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आप, से आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा अच्छा एक चीज और जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय टॉपिक वैसे मैं सोच रहा था कि ना इसको डिस्कस करवाऊँ क्योंकि हमने एंग्लो मराठा वार जब कवर किया जब 1857 हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था डलहोजी के बारे में कैनिंग के बारे में लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रह जाते हैं है ना तो इसको मैं डेली डोज में कवर करवाऊंगा जो हमारा रात को दस बजे सेशन आता है और मंडे टू मैक्सिमम थर्सडे तक ये आपके सारे कवर हो जाएंगे और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक एक्ट को अच्छे से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे पॉलिटी में और हिस्ट्री को कंबाइन कर देंगे यहाँ पर चलिए पॉलिटी में भी हम पढ़ते हैं ना चलिए अब सबसे पहले जो रिफॉर्मिस्ट थे उनका नाम था अच्छा मैं आपको बता रहा था यहाँ पर जो रिफॉर्म्स चाहते थे वो राजा राम मोहन राय और जो रिफॉर्म्स नहीं चाहते थे उनको क्या कहा जाता था रिवाइलिस्ट या रिवाइलिज्म अब ये जो पर्सन थे ना ये चाहते थे कि हमारा जो भारत है यहाँ पर जो भी धर्म है लाइक एक पर्सन का नाम आपको बताता हूँ स्वामी दयानंद है ना ये चाहते थे कि हम वैदिक कल्चर की तरफ वापस चले जाएं बैक टू वेदास इनका एक नारा भी था स्लोगन था और ये वेस्टर्न कल्चर को मानते थे कि ये हमारे कल्चर को रियून रियून कर रहे हैं मतलब ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी करा है उसके बाद न्यू अवेयरनेस कंपेन चलाते थे हमारे को एनलाइट करते थे कि नहीं अभी हमें जरूरत नहीं है वेस्टर्न कल्चर की ये कहीं ना कहीं हमें ख़राब करेगा हमारा कल्चर ही बेटर है अब देखिए हर हर देश में दो तरह के लोग होते हैं कुछ यहाँ पर रिफॉर्म्स आते हैं कुछ यहाँ पर जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमें इक्वेलिटी की ज़रूरत है कुछ यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पढ़ते लिखने लिखते नहीं थे इनको भी काफ़ी नॉलेज होती थी स्पिरिचुअल नॉलेज होती थी लेकिन ये चाहते थे कि नहीं हमारा जो कल्चर है वही बेस्ट है हमें उसी में रहना चाहिए तो इसको लेकर एक जो हमें ये कम्प्लीट सेशन है इसमें हम हर चीज़ को कवर करेंगे अच्छे से ठीक है तो फर्स्टली हम देखते हैं रिफॉर्म्स अब रिफ़ॉर्म्स में जब भी जिक्र होगा तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जिक्र होगा अच्छा मैं आपको बताता हूँ राजा का टाइटल राज राम मोहन राय को किसने दिया था अकबर सेकेंड ने ये मैंने आपको मुगल्स में बताया था और अकबर सेकेंड ने इनको लंदन भी भेजा था कि जाइए हमारी पेंशन को द्वारा से लगवा गई इनकी पेंशन बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने है ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी ब्रह्म समाज और जो राजा राम मोहन राय थे ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे और इनको क्या कहा जाता था मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया और इन्होंने ब्रह्म समाज कब लेकर आए थे 1828 में और सती प्रथा इन्होंने कब खत्म करवाई थी विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में और इन्होंने एंटी सती प्रथा बिल पास करवाया अब एंटी सती प्रथा बिल में क्या था कोई भी पर्सन अगर फोर्सफुली वे में सती प्रथा को परफॉर्म करता हुआ पाया गया या मिला तो उसको दस साल तक की सजा होगी यहां पर ध्यान रखना फोर्सफुली अभी इसको अच्छे से कंप्लीटली वे में नहीं लगाया गया था ठीक है सती प्रथा को और इसको लेकर कुछ जो हिंदू हिंदुज़्म में रिजिडिटी थी वो इसको सही नहीं मानते थे वो कहते थे नहीं आप हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हो आप क्रिश्चियंस की तरफ ज़्यादा देख रहे हो लेकिन बहुत से लोगों ने वेलकम किया अच्छा राजा राम मोहन राय के दो मित्र दोस्त थे और या फिर इनको दो लोग फॉलो करते थे एक का नाम था देवेंद्र वैसे आप फ्रेंड ही कंसीडर करें देवेंद्र नाथ जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनके फादर थे ठीक है नाथ टैगोर और एक पर्सन का नाम है केशव चंद्र सेन इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे भी अब जो देवेंद्र नाथ हैं और केशव चंद्र सेन हैं इन्होंने लोगों को जाकर समझाया आउटसाइड बंगाल कि जो सती प्रथा है वो गलत है आपको इसको नहीं फॉलो करना और ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ही अंगेस्ट है उसके बाद इन्होंने गोड इज़ वन को लेकर अपना एक स्टैंड uh, रखा मोनोथिस्ट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट अब मोनोथिस्ट क्या होता है गोड इज़ वन ये कहते थे कि गोड का कोई रूप नहीं है कोई आकार नहीं है नो शेप नो फॉर्म और इसको लेकर ये चलते थे जो आइडलशिप जो होती थी उसको ये विरोध करते थे और इन्होंने उपनिषद में काफ़ी चेंजेस करे मतलब चेंजेस नहीं सॉरी यहाँ पर ये चेंजेस वर्ड नहीं ट्रांसलेट किए थे ठीक है बंगाली में और इन्होंने उपनिषद में बताया कि हमारे उपनिषद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो गोड है उसका कोई रूप है उसका कोई आकार है तो आप आइडियल को त्याग दीजिए और गोड को एक ही कंसिडर करिए मतलब गोड का कोई शेप नहीं है ठीक है ये ऐसे आप समझ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जब इन्होंने ये बताया गोड इज़ वन या फिर आप मोनोथिस्ट कह सकते हो तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्टार्ट करी थी और कहाँ पे करी थी कैलकटा 1860 ये देखिए आत्मीय सभा चलिए उसके बाद इन्होंने एक कॉलेज भी ओपन करवाया विद द हेल्प ऑफ डेविड हारे और ये कब ओपन हुआ था 1880 में हिंदू कॉलेज इन कैलकटा यहां पर सब कुछ लिखा होगा फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लिखते भी रहिएगा वैसे ऑलमोस्ट यहां पर मैंशन है हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता ये किसकी हेल्प के साथ इन्होंने ओपन करवाया था डेविड हारे ये नेम भी पूछ लिया जाता है चलिए और अच्छा इन्होंने एक कॉलेज ओपन करवाया था जिसमें साइंटिफिक नॉलेज को इन्होंने इंट्रोड्यूस uh, किया था एक वर्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ था मैकेनिज्म आप फिजिक्स में पढ़ते हो मैकेनिज्म है ना तो ये बेसिकली राजा राम मोहन राय ने ही फर्स्ट टाइम इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करा था हमारे भारत में और वेदांत तो वेदांता कॉलेज था जहां पर साइंटिफिक नॉलेज दी जाती थी ये ओपन हुआ था 1825 में और गर्ल्स के लिए इन्होंने स्कूल्स uh, ओपन करवाए वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क करा वुमेन इक्वलिटी को लेकर इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर आए और एक ये अपनी वीकली भी लिखते थे बंगाली में संवाद कॉमेडी कॉमेडी ऐसे कुछ नाम था उसका एक बार आप गूगल कर लेना संवाद कॉमेडी ये वीकली थी जो बंगाली भाषा में थी एक इनकी वीकली आती थी पर्शिया भाषा में इसका नाम था मिरात उल अखबार पर्शिया लैंग्वेज में थी अच्छा इनके द्वारा बुक्स भी लिखी गई मैं आपको बता देता हूं बुक्स कौन कौन सी थी एक थी गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट प्राइस ऑफ जीसस अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो राजा राम मोहन राय थे इनको काफी सारी लैंग्वेजेस भी आती थी और साथ साथ ये सभी धर्म को इक्वल लेकर चलते थे और एक इन्होंने बुक लिखी थी तोहफत उल मुजाहिदीन इसको एक बार गूगल कर लेना मुजाहिदीन तोहफ उल मुजाहिदीन तो ये तीनों बुक्स आपने याद रखनी है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी अच्छा राइटिंग के लिए सॉरी आज आ, अच्छी राइटिंग नहीं आ रही चलिए तो उसके बाद ब्रिटिश रूल को ये किस तरह से देखते थे अच्छा कई कई जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कई बुक्स में लिखा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय है वो ब्रिटिश रूल को सही समझते थे मतलब ब्रिटिश रूल इनके लिए बिल्कुल सही था लेकिन ऐसा नहीं है कुछ मूवमेंट में ब्रिटिशर्स का विरोध करते थे लेकिन यहाँ पर ये एक बात ये भी कहते थे कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में पॉजिटिव इम्पेक्ट होगा मतलब जो डेवलपमेंट का काम है वो ब्रिटिशर्स के टेन्योर में ही होगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रिटिशर्स को बिल्कुल समर्थन करते थे है ना अब बहुत सारी बातें हैं उसका विरोध करते थे अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ क्रिश्चन क्रिश्चनिटी से ये क्या कहते थे कि यहाँ से हमें ह्यूमेनिटी सीखनी चाहिए उसके बाद जो हमारा हिंदुज़्म है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी क्योंकि ये खुद मानते थे कि जो हिंदुजम है उससे स्पिरिचुअलिटी हमें डेफिनेटली सीखनी चाहिए और इस्लाम से क्या ये कहते थे कि हमें इक्वेलिटी सीखनी चाहिए अब ये बात मैं आपको बता चुका हूँ रॉय वाजा गिफ्टेड लिंग्विस्टिक बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करते थे और धर्म जो और अनेक धर्म उनकी किताबों को भी पढ़ते थे जैसे इस्लामिज्म की किताब है कुरान और बाइबल भगवत गीता तो और हमारे वेदास को भी इन्होंने कन्वर्ट किया था ट्रांसलेट किया था कन्वर्ट uh, नहीं ट्रांसलेट किया था बंगाली लैंग्वेज में उसके बाद uh, ये कहते थे कि जो हमारा बेसिकली कल्चर है उसको हम चेंज ना करें लेकिन हम उसमें से सेलेक्ट करें जो अच्छा है और ऐसे ही कहते थे जो वेस्टर्न का कल्चर है उसमें से भी हमें कुछ पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए मतलब सिलेक्टिंग बेस्ट फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर तो ये एक इनकी फिलोसफी थी और इसी को लेकर इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए अब इनकी डेथ कहाँ होती है ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है 1833 में ब्रिस्टोल एक जगह है इंग्लैंड में वहां पे इनकी डेथ हो जाती है अब इनकी डेथ के बाद जो बेसिकली ब्राह्म समाज था वो डिवाइड हो जाता है स्प्लिट हो जाता है टू पार्ट में अब इसको ध्यान से समझना एक यहाँ पर जो पहले से ब्रह्म समाज चल रहा था उसी उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए ये चलते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर या आप ऐसे कह सकते हो कि ब्रह्म समाज की जो ओल्ड आइडियोलॉजी थी उसको ही फॉलो करते थे देवेंद्र नाथ टैगोर एक मैंने यहाँ पर नाम लिया था केशव चंद्र सेन का अब जो केशव चंद्र सेन है ये यहाँ पर कुछ चेंजेस चाहते थे लाइक like जैसे हमारा अगर हम कंसीडर करें ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज हमें क्या कह रहा है कि जो हिंदुज़म में रिजिडिटी है इस्लामिज़म में रिजिडिटी है उसमें चेंजेस कीजिए रिफॉर्म्स लाइए लेकिन मैक्सिमम इनका जो एफ़र्ट्स है वो हिंदुज़म को लेकर ही था अब इस्लामिज़म का जो एफर्ट है वो हम अलीगढ़ मूवमेंट में देखेंगे अब जो केशवनंद्र सेन है ये ये कुछ इस तरह से इन्होंने ब्रह्म समाज को थोड़ा सा चेंज किया जैसे सेपरेट रिचुअल रिचुअल्स एंड रेगुलेशन ये लेकर आए और सेपरेट रिलीजन मतलब हिंदुइज्म में ही इन्होंने ऑर्थोडॉक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जो ऑर्थोडॉक्स या रिजिडिटी थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया और जो केशवनंद चंद्र सेन है इनका जो बेसिकली ब्रह्म समाज था इसको कहा जाता था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और बाद में चलकर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी स्प्लिट हुआ और साधारण ब्रह्म समाज और एक चल रहा था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये बाद में चलकर स्प्लिट हुआ अच्छा कब हुआ था 1878 में। और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा नाथ टैगोर और केशव चंद्र जो ब्रह्म समाज स्प्लिट हुआ था तो याद रखना ये या क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आजकल पेपर में और उसके बाद जो ये आपका साधारण ब्रह्म समाज है इसको किसने स्प्लिट किया था तो आपने यहां पर तीन नाम याद रखने हैं अनद मोहन बोस सेकंड नेम है शिव चंद्र देव और थर्ड नेम आपने याद रखना है उमेश चंद्र दत्ता अच्छा अब ये जो केशवचंद्र सेन हैं इन्हीं के द्वारा एक प्रार्थना समाज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेकिन ऐसा नहीं है कि यही लेकर आए थे लेकिन ये सपोर्ट करते थे इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है प्रार्थना समाज की और ये बॉम्बे में हुआ था इट वाज एन ऑफ शूट ऑफ ब्रह्म समाज और इसको लेकर कौन आए थे एक पर्सन है यहाँ पर आप नाम याद रखना इनका एम जी राणा दे आर जी एंड भंडारकर भंडारकर तो ये दो पर्सन थे जो लेकर आए थे बेसिकली एक न्यू रिफॉर्म और न्यू रिफॉर्म का नाम क्या है प्रार्थना समाज इनके फोर पॉइंट्स थे बस फोर पॉइंट्स एजेंडे को ही आपने याद रखना है डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम जैसे कि कास्टिज्म सिस्टम था उसको ये मानते ही नहीं थे मतलब इनकी नज़र में सब एक हैं चाहे वो ब्राह्मीण हो चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो वैश्य हो चाहे वो शूद्र हो ठीक है जी उसके बाद वुमेन एजुकेशन के ऊपर इन्होंने वर्क किया विडो रीमेरिज एक्ट जो मैंने आपको बताया था वो बेसिकली ये चाहते थे कि जो विडो का रीमेरिज एक्ट है ये आए और आ भी गया था हालांकि ये डलहोजी साहब लेकर आए थे मैंने आपको एटीन फिफ्टी की जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बताया था उसके बाद रेसिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जैसे मैंने आपको बताया था ना चाइल्ड मैरिज बहुत ही छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती थी हालांकि ये राजस्थान में ज़्यादा होता था बट ये चाहते थे जहाँ पर भी होता है ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए तो ये रिफॉर्म आपने याद रखना है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम विवियन विव्यांग या फिर इसको कहा जाता था यंग बंगाल मोमेंट बहुत ही छोटी सी उम्र थी इनकी और ये हिंदू कॉलेज जो कैलकटा में है वहाँ पढ़ाते थे अब ये क्या चाहते थे कि जो वहाँ के जो बच्चे हैं जो इनसे पढ़ते थे या फिर जो इनकी बातों को फॉलो करते थे इनकी जो फिलोसफी थी कि यहाँ पर रेशियली जो जो हमारा मतलब हिंदू कल्चर है या कोई भी कोई भी धर्म है उस पर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाए मतलब एक ऑर्थोडॉक्स या फिर एक रिजिडिटी फॉर्म में ये रिलीजन ना चले मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजिडिटी है उसके ऊपर ही यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ठीक है जैसे आइडल वर्शिप है कास्टिज्म है सुपरस्टिशियस है इसको लेकर ये डिबेट भी ऑर्गेनाइज करवाते थे और इनका एक एसोसिएशन भी था लेकिन इनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती है और जो इनके फॉलोवर्स थे उनको क्या कहा जाता था डेरोजियंस ठीक है याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो इनको फॉलो करते थे उनको कहा जाता था डेरोजियंस और अच्छा आपने मेरे को बताना है कि इनकी कौन कितनी एज में डेथ हो जाती है बस ज़्यादा नहीं है इनके बारे में जानने के लिए बस ये भी जस्ट एक हिंदू का जो रिजिडिटी है उसको ही ये यहाँ पर रिफॉर्म्स चाहते थे नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपका अलीगढ़ मूवमेंट जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है अब अलीगढ़ मूवमेंट कब आया आया था 1870 में सर सैयद अहमद खान लेकर आए थे अलीगढ़ मूवमेंट को और ये बेसिकली क्या था मूवमेंट अगर इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं ये चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो भी एजुकेटेड हूँ और आने वाले टाइम में एजुकेशन बहुत जरूरी है साइंटिफिक जो वर्क होते थे उसको लेकर मुस्लिम्स अवेयर रहें जैसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ चलो आपको क्लैरिटी होगी अच्छे से देखिए अलीगढ़ मूवमेंट कब आया 1817 में अच्छा सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं आप अलग से भी लिख सकते हो शॉर्टकट में जैसे एक हम रो वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में नोट्स बनाते हैं तो ये मैं आपको इस तरह से यहाँ पर लिख रहा हूँ आप वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन है अब इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में पहले तो एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने शुरू करे अवेयर करा जो मुस्लिम्स जो लोग हैं उनको कहा कि आप एजुकेटेड होइए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर पर्दा मूवमेंट का भी पोज करा पर्दा मैंने आपको बताया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुरखा वगैरह वियर करती थी तो ये अपोज करते थे कि नहीं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए जहाँ पर इक्वेलिटी की बात होगी वो वहां पर ये सब चीजें नहीं होंगी और इन्होंने पोलीगेमी का भी विरोध किया पोलीगेमी क्या होता था कि एक मुस्लिम मैन काफी सारे यहाँ पर मल्टीपल मैरिजेस करते थे और एक सीनियर सिटीजन जो मैन है वो बहुत ही यंग फीमेल के साथ शादी करते थे तो इसका ये विरोध करते थे सैयद अहमद खान बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ अच्छा एजुकेशन ये चाहते थे कि मैन एंड वुमेन को इक्वली मिले और जो लोगों की एक फिलोसफी है कि हाँ चलो मैन को तो हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा देंगे लेकिन वुमेन को यहाँ पर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी जाती थी तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे नहीं दोनों को ही एजुकेशन मिलनी चाहिए उसके बाद 1867 के नियर अबाउट इन्होंने साइंटिफिक लिटरेसी पर वर्क करा इसको कहा जाता है मोहम्मदन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोहम्मदन साइंटिफिक लिटरेसी कब स्टार्ट करी थी 1867 में इसको लेकर इन्होंने पब्लिश किया था जॉर्नल जो ये चाहते थे कि जो साइंटिफिक लिटरेसी है जो यूरोपियंस बेसिकली साइंटिफिक वर्क करते हैं इसको ये उर्दू में इन्होंने कन्वर्ट भी किया था और इन इनका एक जर्नल था मतलब आ, जो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह देखते हो तो उसके थ्रू ये लोगों को अवेयर भी करते थे क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं हम देखते थे नाइन्टीन सेंचुरी में लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए थे ब्रिटिशर्स ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा कर दिया था कि लोग इधर उधर मूव करने लग गए थे लोग एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और साथ साथ यहाँ पर यह भी चीज़ हमें देखने को मिली कि मान लीजिए दस लोग जा रहे हैं कुछ यहाँ पर क्षेत्रीय में से होंगे मतलब कुछ अपर कास्ट से होंगे कुछ लोअर कास्ट से होंगे तो यहाँ पर भेदभाव ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगा ये जो सोशल रिफॉर्म्स है इसका बहुत बढ़ चढ़ कर वेलकम भी किया गया था ठीक है अच्छा चलिए मैं आपको बता रहा था ये एक जॉर्नल लिखते थे इसके थ्रू ये लोगों को अवेयर करते थे और ये जॉर्नल का नाम याद रखना ताहिज़ बुल ताहिज उल अखलाक अच्छा एक बार इसको गूगल कर लेना अगर मैं प्रनाउंस यहाँ पर शायद गलत कर रहा हूँ और ये उर्दू में आता था और ये जो बेसिकली एक इनका आ, आर्टिकल आते थे ये अखलाक में ये लोगों को एथिक्स की जानकारी देते थे मतलब किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए समाज में मतलब किस तरह से मुस्लिम्स जो हैं वो एथिक्स की आप समझ रहे होंगे मैनर से रिलेटेड ये अच्छे से आर्टिकल्स को लिखते थे यहाँ पर और इन्होंने एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज भी ओपन किया था 1875 में और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ए और ये अभी रिसेंटली यहाँ पर आ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आ, सेशन भी दिया था काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ग़ज़ल को ये अपोज़ करते थे याद रखना गज़ल को ये अपोज़ करते थे क्योंकि गजल जो होती थी वहाँ पर कही कहीं ना कहीं फ़ीमेल को क्रिटिसाइज़ करा जाता था ये चाहते थे नहीं गज़ल होनी ही नहीं चाहिए ये अच्छा किसकी फेवर में थे ये नज़म की नजम पोयम को कहा जाता है बेसिकली तो ये इसकी फेवर में थे गज़ल को ये अपोज़ करते थे अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ये अपोज़ करते थे ये चाहते थे कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर जिस तरह से बात करती है डेमोक्रेसी की अगर हमारे भारत में डेमोक्रेसी आ गई तो माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होगा Uh, क्योंकि मेजोरिटियन यहाँ पर हिंदूज थे माइनॉरिटीज़ यहाँ पर मुस्लिम थे तो इसको लेकर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध करते थे अब ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम को विरोध करते थे बिल्कुल भी नहीं हिंदू और मुस्लिम हैं ये इसकी इक्वलिटी की बात करते थे मतलब यहाँ पर यूनिटी की बात करते थे हिंदू मुस्लिम की इक्वलिटी तो नहीं यूनिटी यहाँ पर यूनिटी लिख लेना और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो uh, सर सैम अहमद खान हैं इनको जैसे हमने पढ़ा था ना मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन राय को तो मॉडर्न मैन जो एक तरह से मुस्लिम में कंसिडर करा जाता है वो किसको करा जाता है सैयद अहमद खान को तो आपको होपफुली ये सेशन अच्छा लगा होगा पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बाकी बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जैसे अहमदिया रिफॉर्म्स हैं पारसी मूवमेंट्स थे और सिख मूवमेंट्स थे अप्रोक्स प्रोक्स ये थ्री सेशन में कवर हो जाएंगे अभी के लिए आप ये सेशन को देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच